ओके सो फाइनली वी आर बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कोरियन ड्रामा सीरीज़ के बारे में, और ये कोरियन ड्रामा सीरीज़ का फर्स्ट सीजन ऑलरेडी आउट हो चुका है। इस सीरीज़ का नाम है मनी हिस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिकल एरिया। जी हाँ, इसका सीज़न वन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ये हमें 2 से 3 मंथ्स पहले हमें इसका सीज़न वन देखने को मिला था। आई थिंक जुलाई अगस्त के मिड में हमें इसका सीज़न वन देखने को मिला था, और अब फाइनली जाके इसका जो पार्ट टू कह लें या सीज़न टू कह लें, वो हमें फाइनली अब देखने को मिल चुका है हिंदी डब लैंग्वेज में। और फाइनली आज हम इसी वीडियो में उसके सेकंड पार्ट का रिव्यू करेंगे कि आपको सेकंड पार्ट में क्या देखने को मिलता है, और क्या आपका सेकंड पार्ट देखना सही रहेगा या नहीं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। कितने एपिसोड होंगे, क्या लेंथ होगी, क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके एपिसोड्स के बारे में। अगेन इसके एपिसोड्स 9 to 10 एपिसोड्स रखे गए हैं, जो कि सीज़न वन में ही इतने एपिसोड्स थे और सीज़न टू में भी इतने ही एपिसोड्स हैं। और अगेन अब बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी के बारे में, कि इसको विदाउट स्पॉइल किए बगैर आपके साथ इसकी मैं शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगा, आपको आइडिया हो जाए कि आपको सीज़न टू में क्या देखने को मिल सकता है और क्या देखने को मिलेगा। तो सीज़न टू की स्टोरी अगेन सीज़न वन जहां ख़त्म होता है वहां से ही स्टार्ट होती है, मगर सीज़न टू के स्टार्टिंग पे हमें एक रीकैप दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर का, जो कि प्रोफेसर और उसके जो साथी होते हैं, उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनके केस को देख रहा होता है। उसी पुलिस ऑफिसर के उसका पास्ट होता है, उसकी लाइफ का, उसका रीकैप दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि कितना वो ख़तरनाक था, किस तरह वो केस सॉल्व करता था। फिर अगेन स्टोरी कंटिन्यू होती है जिसमें आप देखते हैं कि मिंट के अंदर भी बहुत एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक अफवाह पड़ जाती है कि उन्हीं तमाम में एक ऐसा गद्दार मौजूद है जो कि बाहर के लोगों को न्यूज़ फराहम कर रहा है, यानी उनको स्टे अपडेटेड रख रहा है, जो कि अंदर हो रहा है उससे स्टे अपडेटेड रख रहा है। तो इस तरह से बहुत गहमा गहमी अंदर हो जाती है, क्रिएट हो जाती है मिंट के अंदर, जो प्रोफेसर के जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक अलग ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के चलते चलते बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं गवर्नमेंट से, और फिर अगेन गवर्नमेंट भी इस इशू में इन्वॉल्व हो जाती है। आगे मिलिट्री और पुलिस इन्वॉल्व होती है, फिर अगेन गवर्नमेंट भी इस इशू में इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह से जो ड्रामा सीरीज़ होती है वो मोर इंटेंस में चले जाती है और बहुत इंटेंस बन जाती है इसकी स्टोरी लाइन, और बहुत से हमें टर्न आउट्स देखने को मिलते हैं। जब प्रोफेसर का जो एक गिमिक होता है और जो प्रोफेसर का करेक्टर होता है वो टोटली फेल होता हुआ नज़र आ रहा होता है, यानी प्रोफेसर ट्रैप होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है स्टोरी लाइन में कि ऐसा महसूस होता है कि ये टोटली हार चुके हैं, यानी प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो टीम है वो टोटली हार चुके हैं और उन्होंने हार मान ली है। मगर अगेन हमें एक ऐसा टर्न आउट देखने को मिलता है जो कि पूरी सीरीज़, यानी फर्स्ट और सेकंड सीज़न को अगर मद्देनज़र रखा जाए, सामने रखा जाए, तो वो जो टर्न ओवर था, जो टर्न पॉइंट था, वो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। मैंने तो उस टर्न पॉइंट को बहुत इन्जॉय किया, मैं आपको बताऊँगा नहीं तो आपको अगर मैं बता दूँगा तो फिर वो आपका जो सीरीज़ का देखने का क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए भी रखी है कि जो कि अभी प्लान कर रहे हैं इसको देखने का, और वो रिव्यू देखना चाह रहे थे कि किस तरह की ये सीरीज़ है सेकंड सीज़न, तो मैंने आपके साथ उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने शेयर कर दिया है स्टोरी लाइन का भी, और उसके कितने एपिसोड्स होंगे। और आप ये हर लैंग्वेज में देख सकते हैं, यानी इंग्लिश, कोरिया, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और इस ड्रामा सीरीज़ की भी जो डबिंग की गई है हिंदी डब लैंग्वेज में वो मास्टरपीस है, कि बहुत अच्छी डबिंग है। तो आपको ये ड्रामा सीरीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीज़न वन देख चुके हैं तो ऑफकोर्स आपको सीज़न टू भी देखना चाहिए। आप सीज़न टू आपको श्योरली डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और अगेन बहुत मज़ेदार सीरीज थी, बहुत मज़ेदार सेकंड सीज़न था। और सेकंड सीज़न के आखिर पे एक ओपनिंग रखी गई है, यानी एंडिंग को ओपन शो किया जा रहा है। शायद हमें इन फ्यूचर मनी हिस्ट कोरिया की भी और सीरीज़ हमें आगे चलती हुई देखने को मिले,
मैं तो यही होप करूंगा कि ज़रूर हमें मिले, मगर अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि मनी हिस्ट कोरिया को लेके आगे कोई प्लान्स हैं या नहीं। अगर होंगे या इन फ्यूचर कोई न्यूज़ सामने आएगी तो आपके साथ ज़रूर इसी चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। सीज़न 2 और सीज़न 1 देखना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईजिली आप लिंक्स पर जाएँ और वहाँ से आप अपने सीज़न 1 और सीज़न 2 को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। आप एक के ड्रामा लवर हैं और आप कोरियन ड्रामास के फ़ैन हैं और आप जानना चाहते हैं कौन से न्यू ड्रामास आ रहे हैं और कौन से ड्रामास हिट हुए और एवरीथिंग आप जानना चाहते हैं के ड्रामास इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत से हिट के ड्रामास के रिव्यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ और बहुत सी कोरियन मूवीज़ के रिव्यूज़ कर चुका हूँ। तो आप वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट भी आपके सामने आई बटन पर शो हो रही होंगी, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप कहीं से भी उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अगेन एक के ड्रामा लवर हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने ये ड्रामा सीरीज़ यानी सीज़न 2 ऑलरेडी देख लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।